जय गुरु जी, संगत जी। जैसा कि गुरु जी का आदेश है, क्योंकि आई वॉज गिवन 12 बजे का टाइम, तो जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आई होप जितनी भी संगत है, विल कीप कमिंग इन, सब जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। जय गुरु जी टू ऑल द अंकल्स एंड आंटीज, एंड जय गुरु जी टू ऑल द संगत जी। तो स्टार्ट विथ, पहले मैं बता दूँ कि मेरा जो सत्संग गुरु जी के साथ है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्टोरी कि मैं आपको बताऊँ। मेरे लिए मेरे गुरु जी, हम सबके गुरु जी, इनफैक्ट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो मेरे साथ जो गुरु जी की जो कनेक्शन मेरा गुरु जी से है, जिस तरह से गुरु जी ने अपने चरण में मुझे रखा हुआ है, मेरी जर्नी जो गुरु जी के से साथ स्टार्ट हुई, तो वो एक ड्रीम से ही हुई। और आज भी जितने भी मेरे सत्संग है, दे आर जस्ट अ सीरीज ऑफ स्मॉल ड्रीम्स। कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं वही आपको बताना शुरू करती हूँ। ईयर 2000 में मेरी पेरेंट्स के साथ, मेरे मम्मी पापा एंड मेरे सिस्टर्स के साथ, हम लोग गुरु जी के पास फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट में गए दर्शन लेने के लिए। डिवाइन, ब्यूटिफुल। बट मेरे लिए, आई वॉज जस्ट इन 10th स्टैंडर्ड, स्मॉल गर्ल ऑब्वियसली, एंड यू अंडरस्टैंड, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता है कि आप इतना ध्यान देते हो और उतना पहचान पाते हो गुरु को। दो हम लोग स्पिरिचुअल थे, मैं पूजा पाठ करती थी, क्योंकि हमारे घर में हमने देखा था हमेशा। तो गुरु जी के पास बस मत्था टेकने गए, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, जाते थे, लंगर खाते थे, आते थे। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, ऑन एंड ऑफ जाते रहे। बीच बीच में नहीं भी जा पाए, अगर पेरेंट्स नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं जा पाए। नाउ व्हेन माय जर्नी एक्चुअली बिगैन, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई ईयर 2007 में, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद, समाधि लेने के बाद। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि 2007 से पहले, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तक, 2005 प्रॉबेबली, हम लोग शायद somehow ऐसा हो गया था कि हम लोग नहीं जा पा रहे थे गुरु जी के। तो बहुत लंबा गैप आ गया था हम गुरु जी से मिले हुए। 2007 में जब गुरु जी ने चोला छोड़ा, तो मेरे एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि बिकॉज वो भी गुरु जी को जानते थे, कि ऐसा ऐसा हो गया है और गुरु जी ने समाधि ले ली है। दैट वेरी मोमेंट इतना ज़्यादा पिंच हुआ, इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, बिकॉज हम लोग गुरु जी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे तब तक। और एक्चुअली मैं बताऊँ, जेन्युइनली हमने तब तक भी गुरु जी को पहचाना नहीं था। हम गुरु जी को एज गुरु ही लेते थे, हम लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं था कि वो महाशिव हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, हम समाधि पे गए, ऑब्वियसली सबको बहुत दुख हुआ। एक हफ्ते बाद गुरु जी के, आई रिमेम्बर, शायद एक ही हफ्ते बाद गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद, गुरु जी मेरे ड्रीम में आते हैं, एंड ही इज़ लुकिंग वेरी अपसेट, बहुत परेशान थे। एंड ही वॉज वेयरिंग येलो, हल्दी येलो कलर का चोला पहना हुआ था उन्होंने, जैसे साधु पहनते हैं। एंड ही हैड, ही ऑब्वियसली बाल तो नहीं थे गुरु जी के, बट ही हैड दिस स्मॉल स्मॉल पोनी, मतलब छोटी सी बाल थे यहाँ पे, जैसे पंडित के होते हैं। एंड वो बहुत परेशान थे। वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, गुरु जी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, एंड ही वॉज स्क्रैचिंग हिज हेड लाइक दिस, जैसे करते थे, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे समझ ही नहीं पाया। ये उनके फर्स्ट वर्ड्स थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने बोला, कोई मुझे समझ ही नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने देन ही सेड टू मी द डिवाइन वर्ड्स कि तेरा ये ट्रस्ट ही काफ़ी है मुझ पर। ये बात सच थी। मैं गुरुजी को, हम लोग वैसे भगवान की तरह नहीं लेते थे, लेकिन था अंदर से एक ट्रस्ट, एक भरोसा, एक गुरुजी की तरफ एक प्यार उनके प्रति। एंड ही सेड कि तेरा ये ट्रस्ट ही काफ़ी है, मैंने कोई पहचान नहीं पाया, मैं परेशान हो गया हाँ। देन उन्होंने बोला, अच्छा मुझे खाना खिलाएं। तो ड्रीम में ही मैं अपने मम्मी से कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी करो, खाना लाओ, गुरु जी आए हैं, खाना मांग रहे हैं। तो हमने उनको खाना दिया, एंड ये मेरा फर्स्ट ड्रीम एंड हो गया। सो द मोमेंट आई वोक अप मॉर्निंग में, मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। अच्छा, उससे पहले हमने सत्संग सुने हुए थे जो गुरु जी अपने सामने अंकल आंटी से करवाते थे लाइव, तब खड़े होकर। तो मुझे बहुत एक फीलिंग, एक जुड़ाव, एक कनेक्शन, एक क्या होता है ना, जब भगवान आपको प्यार करता है। आप भगवान को प्यार करते हैं, नो डाउट आप करते हैं, लेकिन आप उतना प्यार कभी नहीं कर सकते जितना भगवान आपसे कर सकते हैं। तो जब गुरु जी ने मुझे ये दर्शन दिए, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने इतना गुरु जी के फ़ोटो के आगे प्रे किया कि गुरु जी, शुक्राना तो करा, क्योंकि गुरु जी को हमने बस 2005 के बाद, 2007 में उनके आखिरी समय में देखा था समाधि के टाइम पर।
और मैं आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड कि गुरु जी थैंक यू कि आप आए, और गुरु जी ने मेरे से अपने हार्ट की बात शेयर करी, दिल की बात शेयर करी कि वो परेशान हो गए, और ही मेड मी फील स्पेशल। मतलब गुरु जी देखो कितना कितना अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ जुड़ के रहते हैं। ही उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरा ट्रस्ट ही काफ़ी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या होता है, उस दिन के बाद से मेरा और ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जब आपको भगवान प्यार करता है ना, तो आप और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। ये तो हुई मेरी शुरुआत। दिस इज़ द वे माई जर्नी स्टार्टेड इन 2007 आफ्टर गुरु जी ने अपना चोला त्याग दिया था। उसके बाद लाइफ ऐसी चलती रही, गुरु जी हमारे हर चीज़ में साथ थे, नो डाउट वो हर चीज़ में हमारे साथ रहे। और ऐसी द ईयर्स पास्ड ऑन। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास सिर्फ मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे सत्संग ही मेरे ड्रीम्स ही मेरे सत्संग हैं। सेकंड ऐसी लाइफ चलती रही, गुरुजी का आशीर्वाद आता होता रहा मुझ पर, हमारे सारे फैमिली पर। एंड देन वे बैक इन ईयर 2009 2010 मेरे शादी की बात चली। तो पेरेंट्स जैसे बोलते हैं नॉर्मली, एंड इनिशियली तो आई वाज लिटिल रिलक्टेंट, होता ही है लड़कियों का कि नहीं अभी पढ़ाई करनी है, थोड़ा और करियर बना लें। बट चूँकि गुरु जी का, जब गुरु जी चोले में थे तब भी वो मम्मी को बार बार ही बोलते रहते थे इधर ब्याह कराओ इधर ब्याह कराओ, तब मैंने सुनी नहीं। दैट वॉज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक। एंड उस टाइम सुन लेती तो आई डोंट नो, गुरु जी की शायद ब्लेसिंग्स कुछ और होनी थी। एनी वे 2009 में गुरु जी ने अगेन मेरे को अपने से जोड़ा। मैं बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर जाने लग गई। मैं हर रोज़ थर्सडे टू संडे, जो चारों संगत डे थे, मैं हर रोज़ एवरी सिंगल डे आई यूज़ टू गो टू गुरु जीज मंदिर, इंक्लूडिंग मंडे, एंड लंगर प्रसाद लेके आना। और उस टाइम पे आपको याद होगा 2009 में रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम थी, तो आराम से अंदर जाना, बैठना लंगर हॉल में, मत्था टेकना। तो मैं इन दौरान अपने दोस्तों को भी ले गई एक दिन। हमारे फ्रेंड्स थे कुछ लड़के, एंड वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, यूथ के हैं, तो उनको मैं ले गई। बट दे रियली नाइस पीपल, वो गुरुजी को जानते थे वैसे, तो हम उनको मत्था टिकाने लेके आई। तो हम गुरुजी के पास में जहाँ नंदी जी हैं वहाँ बैठ गए। तो अब दोस्त लोग जैसे मजाक करते हैं, जैसे चाय प्रसाद आया, सिंगल अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद हमें दिया। और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने एक ने बोला, वो वैसे शिव भक्त ही है, उसने बोला कि अच्छा हम गुरुजी को तब मानेंगे, तेरे गुरुजी को, ऐसे करके बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि तेरे गुरुजी को तब मानेंगे जब एक और चाय प्रसाद पिलाएंगे। एंड मैंने मन में, मतलब मैंने सीरियसली, मैं क्या सोचती, मैंने कहा गुरुजी आप देख लीजिए ऐसी डिमांड रख रहे हैं, मैं इनको फर्स्ट टाइम लाई हूँ। एंड बिलीव यू मी, सिंगला अंकल अभी हमें चाय प्रसाद दे के गए, वो आगे जाकर थर्ड रो में ही पहुँचे होंगे जो गुरुजी के सामने संगत बैठती है। ही केम बैक, वी वर थ्री फोर पीपल, और उन्होंने फिर से हमें चाय प्रसाद दिया, ये लो। आई स्माइल्ड, आई थैंक्ड गुरु जी, मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसी डिमांड रखी एंड ऐसे चैलेंज करके रखी कि तेरे गुरु जी को अब हम देखते हैं। आई फेल्ट प्राउड, आई इज लाइक देखो ये हैं गुरु जी, तुम एक चीज़ मांगोगे वो तुरंत देते हैं। यहाँ पर एंड नहीं हुआ, जैसे ही उसने बोला कि अच्छा बाई चांस भी हो सकता है एक और पिला सकते हैं गुरु जी, आप फिर मानो संगत जी, सिंगला अंकल अभी हमें चाय की ट्रे देकर ऐसे पलटे ही थे कि वो वापस पलटे, ये ले एक और ले ले। एंड माई आई वॉज स्पीचलेस, बिकॉज हम जानते थे गुरु जी, क्योंकि गुरु जी से आप ऐसे मांगते हो गुरु जी विद इन सेकेंड्स आपको देते हैं, आपको चाहे रियलाइज हो ना हो, लेकिन आपको गुरु जी हर चीज़ वो देते हैं जो सही होती है, जो गुरु जी हम सबको देना चाहते हैं वो ज़रूर देते हैं। एंड मैंने अपने फ्रेंड को तब बोला कि देखा गुरु जी से कुछ आप मांगोगे ज़रूर दे देंगे, लेकिन डोंट टेस्ट हिम अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो हैं, वो तुम नए हो, तुम्हें प्रूव कर रहे हैं। और फिर मैं, क्योंकि मैंने गुरु जी से प्रे करा कि गुरु जी मैं अपने फ्रेंड्स को लाई हूँ, उन्होंने ऐसे चैलेंज दिया है, तो प्लीज़ आप जो है देख लीजिए। सो दैट वॉज अ वेरी स्मॉल क्यूट सत्संग उस टाइम हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब आप किसी को लेके जाते हो, आप नई संगत जोड़ते हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स अपने फ्रेंड्स के सामने जब उनको सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे जोड़ूँ। मैं गुरु जी से मन में प्रे करती हूँ, गुरु जी आप ही कुछ ऐसा करो, मेरे मुँह से ऐसा निकलवाओ कि ये जुड़ जाए, बिकॉज हम दिल से चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि और संगत नु जोड़ो और संगत नु जोड़ो। तो हम जो है गुरु जी को इस तरह से मैं बोलती हूँ, और गुरु जी ने थैंक यू गुरु जी उस टाइम पे ऐसा चमत्कार दिखाया। मेरे फ्रेंड्स आज तक भी कनेक्टेड हैं, गुरु जी को मानते हैं। एंड देन 2009 में मेरा रिश्ता पक्का हुआ, एंड 2010 में मेरी एंगेजमेंट रुका हुआ, एंड देन एंगेजमेंट हुई।
तो एंगेजमेंट के आसपास, एंगेजमेंट से एक्चुअली पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स थे दिल्ली में, क्योंकि तो पेरेंट्स मेरे चाहते थे कि शादी जो है वो अराउंड अक्टूबर में कर लेते हैं, मौसम प्लेजेंट होता है एंड बट सडनली वो पता चला कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं अक्टूबर में दिल्ली में, तो उस टाइम पे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. वेन्यू सारी बुक्ड थी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी व्हीकल्स पे, रोड पे चलने के हिसाब से, इफ़ यू रिमेम्बर. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया मम्मी पापा ने कि हम उसको पोस्टपोन करके अराउंड सर्दियों के टाइम, नवंबर दिसंबर में कभी जो भी शुभ दिन गुरुजी निकालेंगे उस दिन कर लेंगे. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, मेरे जो हस्बैंड की साइड से थे, देन होने वाले हस्बैंड की साइड से, वो लोग थोड़ा सा चाहते थे कि प्रॉब्ली जल्दी हो जाए, बट वो हो नहीं पाया. एनीवे बात सेटल हो गई. तो एक दिन ऐसे ही 2010 की बात है, अराउंड अप्रैल की, मार्च मार्च की 28 मार्च, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, कि मैं फ़ोन पे अपने फियांसे से बात कर रही थी, माय हस्बैंड नाउ देन फियांसे, एंड किसी छोटी सी बात पे ऐसे हो जाती है, यू ऑल अंडरस्टैंड, हमारी बहस हो गई. तो हर किसी को लगता है दे आर राइट, मुझे लग रहा था मैं सही हूँ, प्रॉबेबली ही वॉज थिंकिंग ही इज़ राइट. मैं बहुत क्लियरली फ्रैंकली आपसे शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये गुरु संगत है और हमारा गुरु जी का परिवार है. मेरा मेन पर्पज़ अपनी स्टोरी बताने का नहीं है, आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि गुरु जी का प्यार मैं आपको बता सकूँ. गुरु जी देखो कितना प्यार करते हैं हम लोगों से. मेरी उनसे लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद हमने फ़ोन रखा एंड आई क्राइड, मतलब आई वॉज हर्ट एंड आई क्राइड. मैं रोते रोते सो गई. अब देखो गुरु जी कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इतना प्यार, मतलब कोई नहीं कर सकता इतना प्यार. मैं देखती हूँ जैसे मैं सो गई रोते रोते, मेरे ड्रीम में मैंने देखा देर इज़ अ ह्यूज ग्राउंड, बैरन लैंड, जैसे कि गुरु जी के बड़े मंदिर की पार्किंग है ऐसे ही, जहाँ पे ग्रास नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, एंड इट्स ह्यूज, मतलब जितना पार्किंग लॉट है उसका भी 10 टाइम्स, बहुत बड़ा. और वहाँ पे बहुत सारी संगत है, हम सब ने हैंड चेन बना रखा है, हम सारी हजारों संगत हाथ हाथ पकड़ के ऐसे करके हैंड टू हैंड चेन बना के खड़े हैं. सडनली मैं देखती हूँ एक हेलीकॉप्टर आता है, एंड मैंने उस हेलीकॉप्टर की विंडो से मैंने ये देख लिया दैट उसमें गुरुजी बैठे हैं. सो आई वॉज लाइक, मैं हाथ छुड़ा के भागी कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए. एंड मैं जाती हूँ, हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उसमें से गुरुजी लाइट येलोइश चोले में उतरते हैं, एंड मैं जाते ही उनके चरण में गिर जाती हूँ. और चूंकि मैं ऑलरेडी इस भाव से सोई थी, माय हार्ट वाज हैवी, मैं अपसेट थी, मैं रो रही थी, तो मैं उसी हैवी हार्ट से गुरुजी के चरणों में गिरती हूँ और मेरा रोना छूट जाता है. मैं रोती रहती हूँ गुरुजी के चरणों में, क्योंकि एक होता है ना, अपने मिल गए तो आप हग करके रोते हो. मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के रोने लग गई, एंड गुरुजी ने मुझे शोल्डर से पकड़ा, एंड शोल्डर से पकड़ के ऐसे करा कि देख. मैं ऊपर देखा गुरुजी की तरफ. आप मानेंगे कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं, छोटी से छोटी बातों में उनकी आंखों में भी आंसू थे. मैं रो रही थी, गुरुजी मेरे लिए रो रहे थे. गुरुजी ने मुझे टीका लगाया. उस ड्रीम में मेरे को दिखा, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो गुरुजी की फॉलोअर नहीं है, गुरुजी को जानती नहीं है, लेकिन वो भी मुझे दिखी. शायद गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करना था. गुरुजी ने उसको हग करा और गुरुजी ने मुझे प्यार से हग करा, एंड गुरुजी वॉज क्राइंग. संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, हमारे छोटे से छोटे पेन्स को अपना बना लेते हैं. बहुत बड़ी तो कोई बात नहीं थी मेरे साथ कि कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने देखो मेरा साथ दिया, मेरे पास आए. क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं जो गुरु संगत है, कि जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो वो सिर्फ ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात आते हैं, मतलब गुरुजी वाकई में ही आते हैं. एंड उन्होंने मुझे हग किया, और सिर्फ हग नहीं, जस्ट बिकॉज मैं रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी की फ़ोटो देखते देखते सो गई थी, तो गुरुजी आए और गुरुजी ने मेरे अपने, मतलब मेरे आंसू अपने पास ले लिए. आई फेल्ट सो नाइस. मैं उठी एंड मेरे रूम में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप, जो जैसा बड़े मंदिर में है रॉक स्टार चोले वाला, ब्लैक एंड वाइट, वही स्वरूप मेरे पास लगा हुआ था रूम में. मैं उससे बहुत बातें करती थी, अक्सर वही उसी से बातें ही करती थी मैं. मतलब एक होता है ना, बिकॉज़ आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ ही शेयर कर सकते हो. बिकॉज़ मैंने मेरे लिए मेरे गुरु जी बेस्ट फ्रेंड है.
हम सबके गुरु जी हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन गुरु जी को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना रखा है। किसी के भाई बने हुए हैं, किसी के फादर बने हुए हैं गुरु जी, सबके कुछ ना कुछ हैं। मेरे लिए मैंने गुरु जी को बेस्ट फ्रेंड बना रखा है। गुरु जी से कुछ नहीं छुपता, हम झूठ भी नहीं बोल सकते गुरु जी से। तो मैं हर तरह की बात, बिलीव यू मी, हर तरह की बात गुरु जी से शेयर करती हूँ जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो अप्रोप्रिएट हो ना हो, आई डोंट नो। गुरु जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं एंड गुरु जी ने सही में इतना प्यार दिया, मैं गुरु जी की महिमा क्या बताऊँ। आप सोच सकते हो, छोटी सी चीज़ के लिए गुरु जी आए, उन्होंने मुझे प्यार दिया और मेरे साथ रोए। यू नो, हमारी दुख में हमारे साथ, हमारे सुख में हमारे साथ गुरु जी ऐसे हैं, हम सबके साथ हमेशा हैं, हमेशा। ज़रूरी नहीं हर बार ड्रीम आए, ड्रीम नहीं भी आए तो भी गुरु जी हमारे साथ हैं। इस तरह मेरी जर्नी चलती रही। सो 2010 में ये हुआ, देन मेरी शादी हो गई नवंबर में, एंड गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक रहा। उसके बाद चूंकि मेरे पास सीरीज़ ऑफ ड्रीम्स ही हैं बताने के लिए, तो 2013 में मैंने कंसीव किया। एंड मैं एक दिन ऐसे ही, आई वॉज प्रॉब्ली 5th मंथ प्रेग्नेंट, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था एंड हम बड़े मंदिर गए, हमारी फैमिली, हम दिन में गए क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा संगत आती है, फंक्शन होता है, भीड़ होती है। तो हमने सोचा, मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मैं इस हालत में जो शाम को तो जा नहीं पाऊँगी भीड़ में, फंक्शन में, तो हम दिन में माथा टेक लेते हैं। हम दिन में गए, वहाँ पे सेवादार सेवा कर रहे होते हैं और उन्होंने हमें पीछे की साइड बैठा दिया। मम्मा हमेशा वहीं बैठती थी जहाँ पर किचन है, पुरानी वाली और नई वाली अब जो किचन है, और जहाँ खुला एरिया जहाँ लंगर की हमारे मैट्स बिछते हैं, वहाँ पे जो सिटिंग एरिया है, छोटा सा मार्बल का एक सिट आउट बना हुआ है, हम वहाँ पे बैठ गए। मैं वहाँ बैठी हुई थी और शिवलिंग को देख रही थी। मन में ऐसे गुरु जी से वैसे बात करते हैं, एक्चुअली मैं बात भी नहीं कर रही थी, मैं अपने आप से ही बात कर रही थी, ख्याल आते हैं ना। तो मैंने ऐसे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने जॉब भी छोड़ रखी है, अब तो मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, खाली हूँ बिल्कुल, तो मैं गुरुजी की सेवा ही कर लिया करूँ, बड़े मंदिर में पूछ लेती हूँ कोई सेवा मिल जाए मुझे इस टाइम पे जो मेरे लायक हो, इस टाइम के हिसाब से कोई सेवा ही ले लेती हूँ, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या बात है, गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा मिल जाएगी। बस मैंने सोचा, बात आई गई हो गई, मैंने अपने आप से सोचा शिवलिंग को देखते हुए। वहाँ पर उन्होंने हमें दिन में ही लंगर प्रसाद दिया और हम लोग हाथ जोड़ के चले गए। ये तो हो गया दिन की बात। अगेन गुरुजी देखो, ग्रेट गुरुजी, मतलब सीरियसली लव यू गुरुजी, इतना ख्याल रखते हैं। आप सोचेंगे छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे, आपको लग रहा होगा बहुत छोटे हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ में आपके साथ है। मैं घर आई, रात में सोई नॉर्मल, एंड आई फॉरगॉट व्हाट एवर हैपेंड, आई फॉरगॉट कि मैंने ऐसे कुछ सोचा था। गुरुजी रात में अगेन आते हैं मेरे पास ड्रीम में, ही सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल मरून गद्दी एंड विद मरून चोला ही उन्होंने पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत। एंड वो मेरे से कहते हैं कि तुझे सेवा चाहिए थी? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी सेवा चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल मीठा प्रसाद बना, एक्सक्लूसिव, ऐसे करके ही सेड, एक्सक्लूसिव मीठा प्रसाद बनाई। अब मैं ड्रीम में उनसे पूछे जा रही हूँ कि गुरुजी मीठा प्रसाद एक्सक्लूसिव क्या बनाओ, क्या बनाओ, मैं पूछे जा रही हूँ। और गुरुजी की ये बहुत हैबिट है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है, मतलब गुरुजी जब आते हैं ना ड्रीम में, उसके बाद आपको बताएंगे, आप अगर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो गुरुजी वुड नेवर आंसर, क्योंकि गुरुजी वो हमारे ऊपर है ना, हमारे को भी तो बुद्धि लगानी चाहिए। गुरुजी ने इतना बोल के ड्रीम मेरा ख़त्म। मैं सुबह उठी एंड मैंने मम्मी को भी बताया, मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ गुरुजी, मेरे को मीठा तो आता है लेकिन क्या आता है हम लोगों को, वही खीर हलवा, दैट इज़ ऑल। तो मैंने कहा गुरुजी एक्सक्लूसिव बोल के गए हैं, मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। इस बात को ऐसे टाइम हो गया, आफ्टर अ फ्यू डेज एक हमारे आंटी हैं उनके घर सत्संग था, देन मैंने सोचा अच्छा, क्योंकि मेरे मन में एक और क्वेश्चन था कि मैं मीठा प्रसाद तो बना लूँगी गुरुजी, लेकिन कहाँ आपको दूंगी, क्योंकि अब तो बड़े मंदिर में पहले अलाउड था, पहले हम लोग प्रसाद लेके जाते थे जैसे समोसा प्रसाद या बर्फी प्रसाद, अब तो वहाँ पर भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपका प्रसाद कहाँ दूँ आपको, मतलब हाउ स्टूपिड वाज आई, घर में भोग लगा देती, उस टाइम ख्याल ही नहीं आया। सो एनीवे कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद हमारे एक संगत के घर सत्संग था, तो वहाँ पर मैंने सोचा, उस दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं गुरुजी ने बोला तो था, तो मैंने सेवा ली है, सेवा तो पूरी करूँगी और गुरुजी ने सेवा दी है। तो मैंने मम्मी से सीख कर बेसन के लड्डू बनाए अपने हाथ से खुद, एंड वो मैं उधर सत्संग पर लेके गई, वहाँ पर सबको दिए
एंड सब ने इतनी तारीफ़ करी, दे अप्रिशिएटेड अ लॉट दैट बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, लाइक जय गुरु जी, थैंक यू। बट जो भी आपके हाथ से बने अगर सामने वाले को अच्छा लगा तो गुरु की मेहर। एंड मैंने मन ही मन बोला, गुरु जी सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आपने जो सेवा दी थी या मैंने जो सेवा आपसे मांगी थी और आपने दी थी वो मैंने आज पूरी कर दी, तो कोई जो गलती हो गई हो तो सॉरी। कहने का मतलब यह है कि गुरु जी से आप देखो, आप छोटी से छोटी चीज़ डिमांड जो आप अपने मन में करते हो ना, डिमांड विच इज़ मतलब मैंने कुछ और तो मांगा नहीं था, मैंने सेवा मांगी थी। एंड गुरु जी जानते थे प्रॉब्ली उस टाइम पे मेरे लिए उस हालत में प्रेगनेंसी में फिजिकल रूप में जाके वहाँ सेवा करना शायद नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा डिस्टेंस की वजह से भी, तो गुरु जी ने मुझे ऐसी सेवा दे दी। सो ब्यूटिफुल, मतलब गुरु जी इज़ लाइक जस्ट अमेजिंग, कितने अच्छे हैं गुरु जी, कितनी बातें सुनते हैं, मैं तो इतनी खुश होती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड आई ऑलवेज थैंक हिम कि गुरु जी थैंक यू, आप हर चीज़ में साथ हो, थैंक यू सो मच आपने सुना और मुझे सेवा दी। ऐसे ही टाइम बीतता गया, बहुत बीच बीच में देखिए ड्रीम्स गुरु जी के हम सबको दर्शन होते हैं, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। ऐसे टाइम बीतता गया, देन अगेन एक और छोटा सत्संग, एक और ड्रीम मेरा मैं बताती हूँ। इट वॉज ईयर 2016 एंड 2016 की शिवरात्रि की बात है ये। 2016 में मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई थी शिवरात्रि के दिन। तो शिवरात्रि पर मैं सोई मम्मा के पास एंड मैंने को अगेन गुरुजी आते हैं, बहुत ये सत्संग सुनने वाला है सीरियसली, इतना प्यारा मेरे गुरुजी का रूप, इतना अनोखा, इतना डिफरेंट, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। मैंने ड्रीम देखा, गुरुजी आए एंड गुरुजी एक बहुत अलग सी जगह पे बैठे हुए हैं। मैं कैसे समझाऊँ, जैसे गुफा होती है ना पत्थरों की, बंद इनक्लोज्ड डार्क प्लेस, अंधेरे वाली, ऐसी अंधेरे वाली एक जगह है। एंड गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं एंड गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना हुआ है, एकदम ब्लैक। गुरुजी का फेस वेरी डिफरेंट, नॉट दैट यूजुअल हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस, वेरी स्ट्रेट। गुरुजी की आंखें छोटी नहीं, इतनी मोटी मोटी, बड़ी, बल्जिंग आउट, बाहर को निकलती हुई आंखें, विद ब्लैक, एकदम मतलब ब्लैक, डार्क ब्लैक काजल, मोटा मोटा। गुरुजी के नेल्स एकदम ब्लैक, एब्सोल्युटली ब्लैक संगत जी। एंड वो रूप मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, वो बहुत, वो रुद्र रूप गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, थैंक यू गुरुजी। एंड गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे गद्दी पर उस अलग सी जगह में, और मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी, और वहाँ पता है कौन बैठा हुआ था गुरुजी के आगे? गुरुजी के गण। और गुरुजी के जो गण होते हैं ना शिव जी के गण, वैसे ही बैठे हुए थे। और गुरुजी का स्ट्रेट फेस था, वो शिवरात्रि का दिन था और रात थी, और मैं भी वही देख रही थी कि मेरे मन में था शिवरात्रि, और मैं दूर बैठी हुई उन गणों के पीछे कहीं दूर एक कॉर्नर में बैठ के मैं ये सब नज़ारा देख रही हूँ कि गुरुजी अपने हाथ से जो आटे की पंजीरी होती है, वो पंजीरी प्रसाद को ऐसे विभूत होती है ना जो गुरुजी लपेटे रखते हैं, उसके जैसे ऐसे ऐसे ना सब में पंजीरी ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं, बाँट रहे हैं प्रसाद अपने गणों को, इस तरह से ऐसे ऐसे करके लेके एक थाली है थाल में से। और लेकिन गुरुजी बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, उनका बहुत स्ट्रेट फेस है, बहुत अलग ही एक रुद्र रूप है, डार्क एकदम डार्क आईज। ऐसे मैं देखती रही बस गुरुजी को, कॉर्नर में बैठ के अपने ड्रीम में मैं उस गुफा में गुरुजी को देखती रही। एंड गुरुजी ने ऐसे ऐसे पंजीरी प्रसाद ऐसे ऐसे बांटा सबको, और मुझे एक नज़र यूँ देखा, तुरंत एकदम मेरे कानों में गाना बजा जैसे किसी ने यहाँ पर स्पीकर चला दिया हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। और इसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। मैंने टाइम देखा, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज अराउंड 4:20, 4:23 हो रहा था, यही टाइम था सुबह के अर्ली मॉर्निंग। मैं उठी एंड मैं उठकर मेरी आँख क्योंकि गाने से खुली थी, तो मुझे लगा कि मम्मी की आदत है सुबह जल्दी उठ जाती हैं 4 बजे, तो हो सकता है टीवी चला लिया हो मम्मी ने। तो मैं अपने बेडरूम से निकल के टीवी रूम में, लिविंग रूम में गई, तो मैंने देखा टीवी तो ऑफ था, मम्मी भी नहीं थी वहाँ पर। मैं वापस आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं सो गई। मॉर्निंग में मैं उठी तो हम लोग तो स्टूपिड हैं, मैं तो हूँ, हम लोग की नहीं, मैं तो आई एम वेरी स्टूपिड। हम गुरुजी को तब भी नहीं पहचान पाए थे और अभी भी नहीं, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो ड्रीम था ना संगत जी, इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट ड्रीम। गुरुजी का ये रूप ना ही मैंने कभी देखा, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने कहीं और कभी ऐसा इमेजिन भी किया हो, बहुत अलग तरह का रूप था ये। एंड मैंने जब सुबह उठी तो ये, अच्छा मेरे को तब तक ये चीज़ नहीं पता था दैट लग जा गले जो सॉन्ग है
वो गुरुजी का वन ऑफ द वेरी फेवरेट सॉन्ग्स में से है। आई डिड नॉट नो दैट। एंड मैं उठी तो मेरे को ना बजाय खुशी के मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, यू नो, जैसे स्केरी फीलिंग कि हाय गुरुजी कुछ गलत होने वाला है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आपने बोला लग जा गले कि फिर जो हंसी रात हो ना हो, तो माई सिली माइंड वॉज कि शायद मुझे कुछ होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे और मेरे हस्बैंड को चंडीगढ़ के लिए जाना था बाय कार, मतलब बाय रोड। एंड मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आने लग गई, मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता है, उस पर पुरानी कुछ संगत है, तो मैंने उस ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, प्लीज़ कोई अपना अच्छा सा सत्संग शेयर करे, सो दैट अच्छा सत्संग सुन के मन खुश हो जाए। तो एक आंटी उनमें से, ग्रुप में से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ट्विंकल क्या बात हो गई, ऐसा क्यों डाला। तो मैंने उन्हें अपना ड्रीम बताया, मैंने कहा आंटी आज ऐसे ऐसे दर्शन हुए गुरु जी के, बहुत डिफरेंट, डिवाइन, ब्यूटिफुल, लेकिन बहुत अलग तरह के। एंड ये गाना गुरु जी ने मुझे सुनाया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, तो मैं ये सुन के डर गई कि कोई बात होने वाली है क्या, कुछ होने वाला है गुरु जी, क्योंकि मुझे बाय रोड ट्रैवल करना है कहीं, यू नो हाउ आर स्टूपिड माइंड वर्क्स। तब आंटी ने मुझे बताया, मुझे ये बात पता ही नहीं थी तब तक, तब आंटी ने मुझे बताया कि तो कितनी स्टूपिड है, ये गुरु जी का तो बहुत प्यारा फेवरेट सॉन्ग है एंड यू आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि गुरु जी ने सुनाया है, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। उसके बाद मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बिकॉज गुरु जी के ये दर्शन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। गुरु जी का प्यार, गुरु जी का ये स्वरूप देखना ही, थैंक यू गुरु जी, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरु जी ने, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरु जी ने, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। एंड वो सॉन्ग गुरु जी ने सुनाया, मुझे इतना अच्छा लगा, यू नो यू फील स्पेशल, बट स्पेशल तो गुरु जी हैं, गुरु जी इतना प्यार देते हैं हम सबको, इतना प्यार। अब ये 2016 के शिवरात्रि की बात है, नेक्स्ट ईयर अगेन ऑन शिवरात्रि, अब हम तो ग्रीडी लोग हैं। जब शिवरात्रि अगले साल 2017 की आई, तो कोई ड्रीम नहीं मुझे, कुछ नहीं, एंड आई इज लाइक गुरु जी आज तो आपने कोई, मन ही मन बात करते ना, गुरु जी कोई ड्रीम भी नहीं सुनाया दिखाया, और आपने तो, मैं किचन में काम कर रही थी अपनी सिस्टर के घर, एंड मैंने कहा गुरु जी आपने तो कोई मेरे को ड्रीम भी नहीं दिखाया और लग जा गले भी नहीं सुनाया, आपने तो मुझे पिछली शिवरात्रि पे ये सुनाया था। अचानक से संगत जी, मेरी 13-year-old नीस आती है मेरे पास, टीनेजर है, उन लोगों को क्या पता ये गाना, वो किचन में आती है एंड वो गाना गुनगुना रही होती है, कौन सा, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। मैं उसकी तरफ देखती हूँ एंड आई एम शॉक्ड, मैंने कहा बेटा ये गाना कहाँ से आप गा रहे हो, एंड शी सेज मासी आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह पे आ गया। मैं तो समझ गई बिकॉज दैट वाज माय डिमांड, मैं अपने गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी ये गाना आपने मुझे इस बारी सुनाया ही नहीं, ये गुरुजी है, मतलब आप सोच सकते हो कि बड़ी बड़ी दुखों में तो गुरुजी साथ है, जो छोटे से छोटी चीज़ में आपके साथ हो तो गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं, हम सबसे गुरुजी कितना ज़्यादा केयरिंग है, हम तो सोच भी नहीं सकते। ही इज़ सो ब्यूटिफुल, ही इज़ सो सो अमेजिंग, गुरुजी इज़ सो लवली, हमारे छोटी से छोटी चीज़ों में भी हमारे साथ रहते हैं, छोटी से छोटी डिमांड पूरी कर देते हैं। मतलब गुरुजी को, आई एम सॉरी गुरुजी, आई नो गुरुजी को कितने बड़े बड़े काम है, लोगों के पास दुनिया में कितने कष्ट, कितनी प्रॉब्लम्स है, बट इवन देन गुरुजी काइंड ऑफ फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, वो वाली चीज़ें जो आप मांगते हो प्यार से मांगते हो। सो थैंक यू गुरुजी, दैट वाज अबाउट शिवरात्रि 2017। माय जर्नी कंटिन्यूड विद गुरुजी, गुरुजी हर पल अब साथ थे, हर पल, मैं हर पल, मैंने गुरुजी को बेस्ट फ्रेंड बना रखा था, तो आई यूज टू टॉक टू हिम लाइक अ बडी, कि गुरुजी की तरफ देख के विंक करना, गुरुजी को किस देना दूर से, लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस, हर चीज़ अच्छे प्यार से, कि गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हर चीज़ में गुरुजी को साथ रखें, गुरुजी चलिए यहाँ चलते हैं, ऐसे करके खुशी से प्यार से। देन आई रिमेम्बर दैट 2018 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया था, तो 2017 मिड ऑफ 2017 हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए फॉर टू इयर्स एक्चुअली। एंड मैं यहाँ आई हुई थी 2018 में, मैं दिल्ली आई हुई थी दिसंबर में, मेरा बर्थडे होता है, तो मैं मामा के घर थी और मेरे हस्बैंड अपने घर चले गए थे। तो जैसे 5th को मेरा बर्थडे है दिसंबर को, 4th की रात को ऑब्वियसली मैं जगी हुई थी एक्सपेक्टिंग
होता है ना कि फ़ोन पे व्हाट्सएप पे अभी विशेज़ आएंगी, लोगों के फ़ोन आएंगे ये सब। तो 12 बजने में अभी 4 मिनट थे, और मतलब फोर्थ की नाइट को, एंड मेरे हस्बैंड का मेरे को फ़ोन आ गया। तो मैंने उनसे बोलने लगी कि मैंने कहा अरे अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, अभी 12 नहीं बजे। सो इज़ लाइक हाँ मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, वेरी टायर्ड, मैं प्रॉबेबली सोने ही चले जाऊँगा, इसलिए मैंने जल्दी कॉल कर दिया। तो ठीक है, मैंने कहा अभी 12 नहीं बजे, अभी क्या विश करोगे। तो वो उन्होंने मुझे विश नहीं करा, मेरे से हम लोग ऐसी बातें शुरू हो गई। सडनली बातें करते करते 2-3 मिनट बीत गए, हम भूल गए कि 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट थे। अब आप देखिए गुरुजी का प्यार, गुरुजी इतना प्यार करते हम सबसे। मेरे रूम में गुरुजी का एक फ़ोटो है, ऐसे ही यही फ़ोटो, एंड इसके नीचे, ये इट्स हैंगिंग हाई ऑन द वॉल अदरवाइज, इसके नीचे एक बलून पड़ा हुआ था, मेरी छोटी डॉटर है उसका। और वो बलून भी कैसा था, मतलब 6-7 दिन पुराना बलून, लो नो इट बिकम्स लिटिल सैगी, वो हवा से पूरा भरा भी नहीं हुआ था। रात को एग्जैक्ट 12 बजे मैं मेरे हस्बैंड से बात करूँ, ही फॉरगॉट टू विश मी, हम लोग बातें करने लगे, बलून फटता है एकदम से फट, एंड मैंने एकदम से देखा, सडनली मेरी नज़र और कहीं नहीं गई, मेरी नज़र सीधा गुरुजी की फ़ोटो पे ही गई। एंड आई अंडरस्टूड, मैंने सबसे पहले हाथ जोड़ के गुरुजी को थैंक यू बोला, बिकॉज आई नो ये गुरुजी ने मुझे विश किया था, वो बलून बर्स्ट करके हैप्पी बर्थडे करा था। सो क्यूट, ये मेरा बहुत क्यूट सत्संग है, मुझे बहुत पसंद आए, गुरुजी इतना प्यार करते हैं, आप सोच सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड को याद दिलाया कि 12 बज गए, एंड देन ही सेड ओके हैप्पी बर्थडे, बट गुरुजी वॉज द फर्स्ट वन टू विश मी। गुरुजी अपने संगत का इतना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, उन्होंने मुझे सबसे पहला विश दिया। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड यही मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं। एंड उसके बाद आई रिमेम्बर दैट एक बारी मैं लखनऊ में थी, जब तो 2018-19 की बात होगी, तो अगेन मेरा सत्संग, वही मेरा ड्रीम, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि गुरुजी जो है चलते जा रहे हैं, मुझे पीछे से दिख रहे हैं गुरुजी ब्लैक चोले में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एंड गुरुजी लाइट बन के, जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है उसके अंदर चले गए, समा गए। और मेरे को ऐसा एहसास, आवाज़ आई कि मैं लाइट, हाँ मैं लाइट हूँ, ये गुरुजी ने मुझे बताया। हम सबको ही बताते हैं, गुरुजी हम सबको जानते हैं, तो उन्होंने दिखा भी दिया कि लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है। एंड वो गुरुजी चलते 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 ऐसे डिसअपेयर हुए, लाइट बनकर उस बुक के अंदर चले गए। एंड दिस वॉज द मैसेज दैट गुरुजी गेव मी। मैं कई जगह ये सत्संग में सुनाया दैट गुरुजी इज़ लाइट, वी हैव टू वर्शिप हिम एज लाइट, एंड लाइट ऑफ डिविनिटी बुक जो, इट्स वेरी पावरफुल। सो बस दैट्स ऑल, एंड यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, मेरे ड्रीम्स, गुरुजी के प्यार, एक्चुअली मेरे ड्रीम्स नहीं, सॉरी, गुरुजी की ड्रीम्स, गुरुजी की महिमा आएंगे, गुरुजी इतना प्यार करते हैं। मतलब मेरे ये पूरा सुनाने का मतलब सिर्फ एक था संगत जी, दैट गुरुजी सबके बड़े बड़े कष्टों में तो साथ हैं ही, लेकिन जो आपकी छोटी से छोटी नीड में, आपकी छोटी से छोटी सुख में, खुशी में, सेलिब्रेशन में आपके साथ रहे, वो गुरु देखो, वो भगवान है। मतलब ये दिखाता है कि गुरुजी कितने ज़्यादा हमसे प्यार करते, इतना अटैचमेंट, इतना प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी करते हैं। सो दैट वुड बी ऑल, गुरुजी अपने टाइम में कहते थे, शॉर्ट में सुनाई मैंने, फिर भी शायद लंबा कर दिया। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे जो है गुरुजी के सत्संग सुने, और आई जस्ट होप एंड प्रे गुरुजी आप सब, हम सबको ऐसे ब्लेस करते रहिए, आप हम सब के साथ हमेशा रहिए। एंड प्लीज़ हमसे अगर भूल भी हो जाए तो हमें सीरियसली प्लीज़ फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दीजिएगा, वी आर एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली स्टूपिड पर्सन गुरुजी, बहुत भूल होती है, बट प्लीज़ प्लीज़ कभी अपने से दूर मत करना, ऑलवेज बी इन आवर लाइव्स फॉर एवर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग, जय गुरु जी, संगत जी, देख।